नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मई दिन शुक्रवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाल विवाह मुक्त कराने के संकल्प में बिहार भी है शामिल। तीसरी से आठवीं के 23 लाख से अधिक विद्यार्थी विशेष कक्षा में कर रहे पढ़ाई। जमीन दाखिल खारिज को लेकर बदला ये नियम। बिहार में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार में 50,000 में 554 बूथ संवेदनशील। के पाठक का आदेश नहीं मानना, शिक्षक को पड़ा महंगा। आईपीएल 2024 में आज गुजरात और चेन्नई टीम के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक में सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन की आज अंतिम तारीख। वैसे उम्मीदवार जो बैंक में नौकरी करने की इच्छा रख रहे हैं, वे आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस बैंक में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती आई है और 10 मई यानी आज आवेदन की अंतिम तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में 50,000 में 554 बूथ संवेदनशील। बिहार में लोकसभा के 4 चरणों का चुनाव होना बाकी है। इसमें 26 लोकसभा की सीटों के तहत आने वाले 259 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। बिहार के शेष लोकसभा क्षेत्रों में करीब 50,000 बूथों पर मतदान कराने की तैयारी है। अब 50,000 में सिर्फ 554 बूथ ही संवेदनशील हैं। यहाँ पर 4 बजे तक मतदान होगा। 4 चरणों के लोकसभा चुनाव के दौरान 554 बूथ संवेदनशील माने गए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 3 चरणों के लोकसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक संवेदनशील बूथ थे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पुरातत्व संग्रहालय के बारे में। पुरातत्व संग्रहालय गया जिले का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। पुरातत्व संग्रहालय गया जिले में बोधगया में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1956 में की गई थी। संग्रहालय में आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भगवान बुद्ध की पत्थर की, धातु की और सोने की मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर टेराकोटा आइटम देखने को मिल जाएंगे। आप इस संग्रहालय में आकर कई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तीसरी से आठवीं के 23 लाख से अधिक विद्यार्थी विशेष कक्षा में कर रहे पढ़ाई। बिहार के स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन हो रहा है। तीसरी से आठवीं के 23,64,000 विद्यार्थी विशेष कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। दक्ष कक्षा के लिए राज्य भर में 35,88,000 विद्यार्थी को चिन्हित किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो 66% बच्चे दक्ष कक्षा में पढ़ रहे हैं। मालूम हो कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के लिए विशेष कक्षा स्कूलों में चलाई जा रही है। कक्षा 9वीं और 12वीं के 2,80,000 विद्यार्थी विशेष कक्षा में भाग ले रहे हैं, जबकि राज्य के करीब 73,000 प्रारंभिक स्कूलों में विशेष दक्ष कक्षा का संचालन हो रहा है। बाल विवाह मुक्त कराने के संकल्प में बिहार भी है शामिल। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह मुक्त कराने का 8 राज्यों ने संकल्प लिया है, इसमें बिहार भी शामिल है। 8 राज्यों को सरकारों ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है कि इस साल अक्षय तृतीया पर कोई भी बाल विवाह नहीं हो। कई राज्यों ने भी पंचायतों को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। विभागों ने अधिकारियों से धार्मिक नेताओं, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर्स आदि को अपराध और इसके परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान 161 गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है। ये इस पहल को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। जेई एडवांस की 26 मई को होगी परीक्षा। जेई एडवांस की 26 मई को परीक्षा होगी। भागलपुर, पटना, दरभंगा समेत बिहार के 10 जिलों में परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। जेई एडवांस के लिए 1,80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन किया है। जेई एडवांस के आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं 17 मई को प्रवेश पत्र जारी होगा। परीक्षा 26 मई को होगी 9 से 12 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 9 जून को सुबह 10 बजे तक घोषित होगा। आपको बता दें कि पिछली बार साल 2023 में जेई एडवांस के लिए 9 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वेबसाइट https://jeeadb.ac.in पर परीक्षार्थी पाठ्यक्रम को देख सकते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते समय ऐसे करें शुद्धता की पहचान। आज अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है, इस दिन को काफी अच्छा माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते समय कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सोने की शुद्धता को चेक कर लेनी चाहिए। मालूम हो कि देश में बिकने वाले ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य है। इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी पर बिना 6 डिजिट के हॉलमार्क के गहने की बिक्री पर रोक है। वहीं हॉलमार्क को चेक करने के लिए सोने पर BIS लोगों को देखें, इसमें सोने का कैरेट दर्ज होता है। हॉलमार्क में अल्फा न्यूमेरिक कोड दर्ज होता है। HUID नंबर को BIS केयर ऐप पर डालकर सोने की शुद्धता को चेक किया जा सकता है। स्कूलों को लेकर पटना के DM ने अपने पिछले आदेश को लिया वापस। भीषण गर्मी को लेकर पटना के DM ने 1 मई से लेकर 8 मई तक के लिए सुबह में स्कूल के संचालन करने का निर्देश दिया था। वहीं अब अचानक ही मौसम बदलने के बाद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है और अब सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा का संचालन पहले की तरह ही किया जाएगा। पटना के DM ने अपने आदेश में ये बात कही है कि वर्तमान समय में मौसम में सुधार को देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में लगाए गए प्रतिबंध को 9 मई को निरस्त कर दिया गया है। अब विद्यालय अपने स्तर से सामान्य तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं। बिहार में दाखिल खारिज के निपटारे की गति धीमी। बिहार में दाखिल खारिज की गति धीमी है। राज्य में अब तक 7.44 लाख से अधिक आवेदन लंबित है। इसमें जमीन का निबंधन भी प्रभावित हो रहा है। कई आवेदन ऐसे हैं जो 90 दिन या इससे अधिक समय से लंबित हैं। मालूम हो कि नियम के अनुसार दाखिल खारिज के आवेदनों को 90 दिनों में निपटारा करने का प्रावधान है। विभाग ने 90 दिनों से अधिक लंबित पड़े हुए आवेदनों की सूची सभी जिलों से मांगी गई है। मामलों का निपटारा नहीं होने पर दोषी पाए गए पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। निबंधन में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। मालूम हो कि सरकार ने फरवरी में ही यह आदेश पारित किया था, जिसके नाम पर दाखिल खारिज होगा जमीन की बिक्री कर सकता है। इसके बाद निबंधन में गिरावट हुई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शंकर दयाल सिंह के बारे में। शंकर दयाल सिंह भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार थे। वे राजनीति व साहित्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय थे। उनकी असाधारण हिंदी सेवा के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। 1990 में उन्हें बिहार रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1977 से सोशलिस्ट भारत में उनके लेख प्रकाशित होने प्रारंभ हुए थे, जो 1992 तक अनवरत रूप से छपते ही रहे। ऐसा उल्लेख उनकी बहुचर्चित पुस्तक राजनीति की धूप साहित्य की छाव में मिलता है। 1993 में हिंदी सेवा के लिए अनंत गोपाल सेवडे हिंदी सम्मान तथा 1994 में गाडगिल राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। भारतवर्ष से कई संस्थानों, संगठनों व राज्य सरकारों से उन्हें अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। KK पाठक का आदेश नहीं मानना शिक्षक को पड़ा महंगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक का आदेश नहीं मानना शिक्षक को महंगा पड़ गया है। मालूम हो कि स्कूलों में स्पेशल कक्षा का संचालन हो रहा है, ऐसे में शिक्षकों को स्कूल आना जरूरी है। लेकिन अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान ये पाया कि शिक्षक लगातार स्कूल में अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। इसके बाद DEO ने इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर स्कूल में गैर हाजिर रहने वाले 213 शिक्षकों के खिलाफ सहरसा में कार्रवाई हुई है। इनके एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। बिहार के 11 जिलों में गुलाब की खेती करने के लिए मिलेगी सब्सिडी। गेंदे के फूल के बाद अब बिहार के 11 जिलों में गुलाब की खुशबू बिखेरी जाएगी। 2000 और 1500 वर्ग फीट में गुलाब लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। प्रति वर्ग फीट 426 रुपए का खर्च आएगा। इसमें 213 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 11 जिलों में पॉली हाउस और सेडनेट में गेंदा की खेती का फैसला लिया गया है। गया, जहानाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय, पटना और पूर्णिया जिले में गुलाब की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन के बाद सहायक निदेशक उद्यान के अनुशंसा पर ये राशि लाभुकों को दी जाएगी। ये लाभ लेने के लिए किसानों का कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन जरूरी है। व्हाट्सएप पर आपको ब्लॉक करने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसे करें पता। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। इसे मैसेज के साथ ही कॉल करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें फोटो और वीडियो को भी आसानी से शेयर किया जा सकता है। इसमें धीरे धीरे कई फीचर्स को जोड़ा जा रहा है, इस कारण आसानी काफ़ी अधिक हो रही है। कुछ लोगों को कभी कभी इस बात का शक होता है कि कहीं वे ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं।
वे इस बात को जानना भी चाहते हैं। इसे पता भी किया जा सकता है किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या नहीं किया है। इसके लिए आप लास्ट सीन को चेक कर सकते हैं। मैसेज डिलीवर नहीं होने का भी मतलब है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया है। कई बार ब्लॉक हो जाने के बाद आप इस व्यक्ति का लास्ट सीन भी नहीं देख सकते हैं। वहीं किसी का बायो या व्हाट्सएप स्टेटस प्रोफाइल नहीं देखने पर भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। जमीन दाखिल खारिज को लेकर बदला ये नियम। जमीन दाखिल खारिज को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। भूमि सुधार विभाग की ओर से नियम में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार कोई कर्मचारी अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट से अंचल अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो वो अपने स्तर से जांच कर सकता है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर वो निर्णय लेंगे। वहीं किसी भी हालत में दाखिल खारिज का आवेदन रद्द करने का आदेश आवेदक की सुनवाई के बिना नहीं दिया जाना चाहिए। आवेदक का पक्ष सुनने की बात कही गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि देखें कि प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं। बिहार में साल लाखों मिट्टी के नमूनों की जांच की जाएगी। बिहार में इस वित्तीय वर्ष यानी साल 2024 में और 25 में 5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले साल की तुलना में ये 60% अधिक है। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में 25,300 मिट्टी के नमूनों की जांच की जाएगी। सबसे कम शिवहर और अरवल में 4,700 नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर साल 2023 और 2024 में 2 लाख मिट्टी नमूनों की जांच का लक्ष्य पूरा हो गया है। फिलहाल राज्य के 38 जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। बिहार में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार में कई जगहों पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और 34 से 36 डिग्री के करीब में रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने वाला है। दरभंगा के तारा मंडल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने कही ये बात। दरभंगा के तारा मंडल की इसरो के वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया है। इस दौरान इन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे अनूठा है। इन्होंने बताया कि दरभंगा तारा मंडल स्थानीय बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ स्पेस से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, साथ ही बच्चों के विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी जिज्ञासाएँ भी शांत हो जाएंगी। अंतरिक्ष विज्ञान और उसमें होने वाले घटनाओं के बारे में लोगों को जिज्ञासा रहती है। ये तारा मंडल ऐसी सभी जिज्ञासाओं को पूरा कर देगा। मिथिलांचल को मिली इस ट्रेन की सौगात। मिथिलांचल के लोगों को नई ट्रेन की सौगात मिली है। इस कारण इनमें खुशी की लहर है। ये ट्रेन जयनगर दिल्ली वाया दरभंगा के बीच होते हुए चलेगी। दिल्ली से जयनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। 5 से 6 महीने में इस ट्रेन के परिचालन की संभावना जताई गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस ट्रेन के समय सारणी से जानकारी भी सामने आ जाएगी। मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इनके लिए अब दिल्ली दूर नहीं होगी, साथ ही सफर भी आरामदायक हो जाएगा। समय की बचत भी होगी। कई जिले के लोगों को इस ट्रेन के चलने से लाभ पहुंचेगा। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट से किया नामांकन। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद अब काराकाट की लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार जताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पवन सिंह के खिलाफ भाजपा क्या कार्रवाई कर सकती है। ये भी चर्चा हो रही कि उन्हें भाजपा बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दरअसल भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था और काराकाट की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की। लखीसराय में राजद प्रत्याशी नीता के समर्थन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान इन्होंने भाइयों और बहनों कहकर पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है। उन्होंने कहा है कि मोदी आएंगे तो 2 करोड़ हर हाल में नौकरी मिलेगी। मिला क्या? मोदी आएंगे तो किसानों की आय 2 गुनी होगी और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। मिला क्या? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत पीठ दर्द के साथ की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने 3 महीने तक आराम करने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका दर्द बेरोजगारी और महंगाई के दर्द से कम पीड़ादायक है।
अनंत सिंह ने दिया बयान, ललन सिंह को मेरी जरूरत नहीं। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह को उनकी जरूरत नहीं है, वो चुनाव जीतने में खुद ही सक्षम है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह की जीत हो रही है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि जनता उन्हें जहां भी मिलने के लिए बुलाती है तो वो मिल लेते हैं। लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं, इसलिए जनता उन्हें खोजती है। जिस जनता ने हमें इतनी बार जिताया है, हम उनसे मिलने जाएंगे ही। मुझे जनता खूब प्यार देती है और हम भी जनता से खूब प्यार करते हैं। पूर्व विधायक ने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं है। आईपीएल 2024 में आज गुजरात और चेन्नई की टीम के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज गुजरात और चेन्नई टीम के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इस सीजन का ये 59वां मैच होगा। दोनों ही टीमों के बीच का ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जानकारी के अनुसार गुजरात को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। गुजरात की टीम ने अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, इसमें से सिर्फ 4 में ही जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं चेन्नई की टीम ने 11 मैच खेले हैं, इसमें कुल 6 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं 5 मैच में से हार का सामना करना पड़ा है। आपके अनुसार क्या सीएसके प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज के दिन पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद, जो आगरा है, में प्रवेश किया था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को 1857 में मार डाला था। पहली बार मुंबई में 1981 में रात में क्रिकेट मैच खेला गया था। संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाले विश्व के पहले महिला पर्वतारोही बनी थी। लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर 2005 में भारत और पाकिस्तान सहमत हुआ था। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ था। खान पान को लेकर 13 साल बाद जारी हुई गाइडलाइन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 13 साल बाद खान पान को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश में 56.4% बीमारियों की वजह अनहेल्दी डाइट है। संस्था का कहना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करके बीमारियों से जाने वाली जान को भी रोका जा सकता है। गाइडलाइन के अनुसार दिन भर में 1200 ग्राम खाना खाना जरूरी होता है। इससे करीब 2000 किलोग्राम कैलोरी मिलती है और घी के मुकाबले सरसों का तेल अधिक फायदेमंद होता है और अनहेल्दी डाइट का बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा पानी को खड़े होकर भी पिया जा सकता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर मनाही की गई है। सेंसेक्स 242 अंक नीचे गिरा। भारतीय स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 1062 अंक नीचे गिरकर 72,404 पर बंद हुआ है। दूसरी ओर निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 21,957 अंक पर पहुंच गया है। बाजार में सिर्फ ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव को भी बाजार में आई गिरावट की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है घाना। हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है नेपाल। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? ऑप्शन ए है भांगर, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है लैटेराइट। इसका सही उत्तर है भांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर,
ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, राकेश मिश्रा, निराला कुमार, सादुल्ला पारवी, पंकज कुमार दास, जितेंद्र कुमार सहनी, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, साक्षी कुमारी, राहुल कुमार, नुनू गोलू कुमार, आशुतोष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप खान पान में किन बातों का ख्याल रखते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।